हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही पापा, बस बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, और ढेर सारी डिज़ाइंस भी सबमिट करनी है। पता नहीं कैसे होगा। अरे सब हो जाएगा बेटा, तू मेहनती है, स्मार्ट बच्ची है हमारी। एक बात बताऊँ? एक से एक पार्टी पूछ रही। पार्टी मतलब? अरे लड़के वाले एक से एक सेटल। क्या पापा, आप लोग भी ना, हद है। इधर मैंने एग्जाम्स के टेंशन में और आप लोग सब। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले बेटा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। प्लीज, तो अगले 3 साल तक मत बोलिएगा। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ जब तक मैं ना बोलूँ शादी के बारे में कोई बात ही मत कीजिएगा। प्लीज मम्मी को भी समझा देना। ठीक है बेटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके पापा, बाय बाय। मैं रेखा सरिया। मेरी मास्टर्स डिग्री के बाद मम्मी पापा फिर से मेरी शादी की बात छेड़ेंगे, तब मैं शादी के लिए हाँ भी बोलूंगी, और तब मैं पहली बार गीता रेजपरा का नाम सुनूंगी। इस वक्त तो मुझे पता भी नहीं है कि इस दुनिया में गीता नाम की कोई है भी। गीता को इस वक्त सातवें आसमान पर होना चाहिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त उसके दिमाग में कोई और बात हो भी सकती है। अरे नहीं नहीं नहीं, इससे तो ये अच्छी है ना गीता। बहुत फब रही है। साल 2008 में वडोदरा की रहने वाली गीता रेजपरा ने अहमदाबाद में मास्टर्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही रेखा सरिया के बारे में सुना तक नहीं था, और ना ही वो अपने जीवन में रेखा के बारे में कभी सुनेगी। ठीक उसी तरह जैसे उसने सुप्रिया निलोरिया के बारे में सुना नहीं था। सूरत की रहने वाली सुप्रिया निलोरिया 2008 में लगभग रेखा और गीता की उम्र की थी। सुप्रिया अपने जीवन में गीता के बारे में सुनने वाली थी और रेखा के बारे में भी सुनने वाली थी। समय की राह पर तीन तकदीरों के रास्ते मिलने वाले थे। रेखा सरिया, गीता रेजपरा और सुप्रिया निलोरिया, इन तीनों की जिंदगियां मिलने वाली थी। ये कहानी है रेखा सरिया की, उसकी जिंदगी की, आज के जमाने की। ये कहानी गीता रेजपरा और सुप्रिया निलोरिया की गाथा भी बयां करेगी। ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ये कहानी कुछ और नहीं हो सकती थी। राजेंद्र भाई, आपने ये डिटेल्स दी थी आपकी बेटी की, बराबर? हाँ बराबर। कोई अच्छा रिश्ता आया? अरे पहला रिश्ता इतना बढ़िया आया कि आपको आगे और कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। गिरीश बिरसना, अहमदाबाद से। आपकी बेटी भी अहमदाबाद में पढ़ाई कर रही है ना? समझो लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी है परशुराम भाई। परसों मैंने पूछा, बेटी अब तो शादी की बात शुरू करें? बोली हाँ पापा शुरू करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ करियर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे ये लड़के को भी काम करने वाली पत्नी ही चाहिए। बढ़िया सेटल है, कोई टॉप कंपनी में काम कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है, एमबीए है, 40-50 हज़ार महीने की तनख्वाह है। ये क्या लिखा है? पहले शादीशुदा रह चुका है। लाइफ की ट्रेजेडी है, सिर्फ 2 दिन की शादी थी, बाद में लड़के की मौत हो गई। बड़ी दुखद घटना है। पापा एक बार लड़के की फैमिली से मिल लेते हैं और सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। अरे उसकी सिर्फ माँ है, फादर नहीं है। एक बार सीधे सीधे उनसे पूछ लेते हैं कि पहली शादी में आखिर हुआ क्या था। सीधी बात करना एकदम बेस्ट है। ठीक है पापा, मैं लड़के की फोटो रेखा को भेज देता हूँ।
प्रोफाइल ठीक लग रहा है। पापा, आप एक बार उस लड़के से और उसकी मम्मी से उसकी पहली शादी के बारे में बात कर लीजिए। जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी तो हो सकता है। बुरी तकदीर का दोष हमें उस लड़के पे नहीं थोपना चाहिए। आप लोग पहले मिल लो, सब ठीक लगा तो मैं भी मिल लूंगी गिरीश से। मेरी इनहैंड सैलरी 60,000 पर मंथ है और इस ईयर के एंड में इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्टेड है। हमने वो रेखा और गिरीश की कुंडलियाँ मिलवाई। अब कुंडलियाँ तो बहुत अच्छी मिल गई, बस वो कुछ पूछना था आपसे। एक्चुअली हम चाहते हैं कि सब कुछ एकदम क्लियर हो। मैं जानता हूँ कि आप मेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हमें बताया गया था कि तुम्हारी पहली पत्नी शादी के दो दिन एक दिन बाद आज हमारी शादी हुई और कल वो चल बसी। गीता, गीता रेजपरा नाम था उसका। 3 साल लग गए गिरीश को इस मायूसी से निकलने में। मैं तो कहती हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। दरअसल हुआ क्या था? दरअसल गीता ने सुसाइड किया था, वो भी शादी की दूसरी रात। उस दिन सारा समय गीता की फैमिली वालों के साथ गया, फिर दोपहर में वो लोग निकल गए। शाम हो गई, रात हम खाने के लिए बैठने ही वाले थे आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं बस अभी आई। अरे ऐसे कैसे, तुम बैठोगी तभी तो शुरू करेंगे। एक सूट के अनपैक करना बाकी है, बस कर लूं अभी आती हूं। परसों जा रहे हो ना हनीमून के लिए, आओ बैठो खाना ठंडा हो रहा है। बस 5 मिनट लगेंगे, अभी गई और अभी आई। प्लीज आप लोग शुरू कीजिए ना। हमें ये बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। अच्छा जा। मेरी और मम्मी की नॉर्मल बातें हो रही थी कि जब मैं और गीता हनीमून पे जाएंगे तो वो अकेले घर कैसे संभालेंगी। और इतने में कौन पागलों की तरह घंटी बजा रहा है? देखो जरा क्या हुआ, क्यों पागलों की तरह घंटी बजा रहा है? साहब, वो आपकी मिसेस। मेरी मिसेस? हाँ साहब, वो नीचे कंपाउंड में गिरी पड़ी है। वो क्या पागल हो गया क्या? अभी तो रूम के अंदर गई है। अरे नहीं ना साहब, आगे देखिए ना, वो नीचे गिरी पड़ी ऊपर से। क्या क्या बक रहा है? स्माइल करते हुए 5 मिनट में आती हूँ कह के गई थी। कुछ बोली भी नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। फर्स्ट फ्लोर पे गावड़े जी रहते थे, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कुछ आवाज सुनी और जब वो बालकनी में गए तो उन्होंने देखा गीता पड़ी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे। गीता जी ने कुछ भी नहीं बताया आपको? नहीं, दरअसल शादी से पहले सिर्फ 4 दफा ही मिलाऊंगा मैं गीता से, उसके बाद शादी वाली रात, और उसके अगले दिन उसकी मम्मी और भैया घर आए हुए थे तो हम उनमें बिजी हो गए। मौका ही नहीं मिला जानने का कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये होने के बाद हमने उसके भाई से भी पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे गीता के लिए लगता है। काश मुझे जरा सी भी हिंट होती कि वो इतनी परेशान थी, मैं उसकी हर तरीके से मदद करता। हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता था कि
मैं समझता हूं कि आप इस बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, जो सही भी है। मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं तो हम बता दें कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि रेखा एक बार गिरीश को मिल ले। जी गिरीश बेटा, तुम दोनों साथ में बैठकर खुलकर साफ साफ बात कर लो। आखिर तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है बेटा। पापा, मेरी रेखा से बात हुई थी तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। रेखा एक बार गिरीश से मिलना चाहती है तो मैंने गिरीश का नंबर दे दिया है उसे। अच्छा किया बेटा। पापा जी, आपको नहीं लगता कि हमें ये गिरीश के बारे में और थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए? मतलब ये जो गीता रेजपरा है वो भी तो हमारे कब्जरिया समाज की थी ना। सही कह रही है वंदना, मैं समाज ऑफिस में इंक्वायरी करता हूँ बेटा। पेरेंट्स की बात हो चुकी है तो आई थिंक वी शुड आल्सो मीट। नो, ऑफ कोर्स वी शुड मीट। मुझे लगता है हम शादी करें ना करें वो सेकेंडरी है इस वक्त। बाद में हम जो भी फैसला करें, एटलीस्ट हमें ये तो पता होगा कि हमने सोच समझ के फैसला किया। मैं तुम्हारी इस सोच को अप्रिशिएट करती हूँ। तो टेल मी गिरीश, कब मिलना है, कहाँ मिलना है? जब भी तुम फ्री हो, जहाँ भी तुम कंफर्टेबल फील करती हो। ओके, आई विल कॉल यू। गलती अनजाने में तो हो सकती है, पर गलती अगर जानबूझकर की जाए तो उसे क्या कहेंगे? ये सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला था, ठीक उस आदमी की तरह जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं जानती थी कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझ पर नजर रखी जा रही है, और ये सवाल और गहरा होता गया जब मुझे कबर्ड के ड्रॉर में गन मिली। मौत से सबको डर लगता है, क्या गीता को नहीं लगा होगा जब वो 10वीं मंजिल से कूद गई? क्या सोच रही थी गीता उस रात, उसे क्या परेशान कर रहा था? राजेंद्र भाई, आप भी हमारी तरह कब्जारिया समाज के ही हैं और आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा ये संगठन समाज के अच्छे के लिए ही काम करता है। देखो परशुराम भाई, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, लड़के का बैकग्राउंड ठीक है ना? अंकल बाकी सब तो ठीक है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही है ना? गीता भी हमारी ही बिरादरी की थी, बड़ोदरा साइड की फैमिली थी और उसका नाम वहीं पर रजिस्टर हुआ था और रिश्ता भी वहीं से आया था। बेटा उसकी मौत की खबर भी हमारे ही कार्यालय में आई थी। जहां तक हमें पता है गिरीश निर्दोष है। रेखा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में गीता वाली बात बार बार आ रही होगी और तुम जानना चाहती हो कि सच क्या है। सच की एक अजीब सी बात होती है, हमें हमेशा लगता है कि सच वो नहीं है जो हमें बताया गया, जो हम जानते हैं सच कुछ और है। लेकिन गिरीश, मेरे लिए तो सच वही है जो ईमानदारी से बता दिया जाता है। रेखा, मेरा सच सिर्फ ये है कि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गीता ने जो किया वो क्यों किया। उस वक्त मुझ पर उंगली उठाना आसान था और वैसा ही हुआ। अब दोनों में से किसी ने उसे बालकनी से कूदते हुए नहीं देखा? पर हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे डिनर के लिए। गीता ने कहा वो 5 मिनट में सूटकेस अनपैक करके आती है बेडरूम से, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बेल बजाई, कहा गीता नीचे पड़ी हो। घर पर चलकर बात करते हैं। हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मैं ऑफिस से लेट आया, मैं चेंज कर ही रहा था कि अचानक धड़ाम जोर से गिरने की आवाज हुई। मुझे लगा कि शायद किसी का एसी वगैरह गिरा होगा। मैं दौड़ के बालकोनी में गया और देखा, मैं तुरंत पहचान गया कि तो गिरीश की वाइफ। कल रात ही तो हम लोग इसके रिसेप्शन पे गए थे
आज दोपहर को ही गीता के माँ और भाई वडोदरा के लिए निकले सर। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग आ रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी घर के किसी भी चीज को छुएगा नहीं, और खासकर बेडरूम में कोई जाएगा नहीं। क्यों सर? तलाशी लेनी। तलाशी सर? कोई तो क्ल्यू होगा। गिरीश जी, आपकी बीवी शादी के दूसरे दिन आपके बेडरूम के बालकनी से 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर दी है। आपसे कहती कि 5 मिनट में डाइनिंग टेबल पर आ रही, और यहाँ आने के बजाय बेडरूम के बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर दी। कोई तो बात होगी सर। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कांस्टेबल पद्मा वहीं पर है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि एक बार फिर सर्च कर ले। सर पड़ोसी कह रहे थे उन्होंने कोई भी लड़ाई झगड़े या रोने वोने की आवाजें नहीं सुनी। ये गिरीश कह रहा था कि वो 5 मिनट में डाइनिंग टेबल पर आने वाली थी, और उसके बजाय वो बालकनी से जाकर कूद गई। सर वॉचमैन से पूछा, वो कह रहा था कि गिरीश के वाकई में होश उड़ गए थे जब उसने दरवाजा खोला, उसे पता चला कि गीता उसकी वाइफ नीचे पड़ी है। ठीक है, उसका भाई और माँ वडोदरा से आ रहे, उसके बाद देखते हैं। Impossible. मेरी बहन कभी सुसाइड नहीं कर सकती, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सर मैं आपसे कह रहा हूं, उसको किसी ने धक्का दिया, मर्डर किया उसका सर। गिरीश, गिरीश ने ही मार डाला मेरी बहन को। मैं आपसे कह रहा हूं, उसने उसे ऊपर से धक्का दिया है सर। मेरी बात पे यकीन कीजिए। विशाल शांत हो जा, पहले मुझे एक बात बताओ, गिरीश ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा और क्या सर, दहेज के लिए? दहेज? लेकिन शादी तो कल हुई थी ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, उससे क्या उनका लालच कम हो जाता है? हम लोगों ने जितना दिया था उससे खुश नहीं थे वो लोग, और चाहिए था उन लोगों को। हमसे जो बन पाया वो दे दिया था सर उनको, लेकिन उनके लालच का कोई अंत नहीं था। लीजिए। आप जी, टोटल गहने तकरीबन 2 लाख के होंगे। जी, मेरे पति गीता के नाम 1.5 लाख के एफडी छोड़ गए थे, उसे तुड़वा कर कैश दे देंगे। उमा जी, कम से कम 5 लाख कैश तो होना चाहिए। विद्या जी सॉरी, लेकिन हम लोग 5 लाख कैश का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। पता नहीं मैं उस दिन क्यों नहीं समझ पाया, उस दिन मेरी बहन बहुत दुखी दुखी सी लग रही थी, उसकी आंखें काफी कुछ कह रही थी। गीता, सब ठीक है ना? हाँ भैया। क्या हाँ, चल बता मुझे क्या बात है। कोई बात नहीं है। अपने भैया को नहीं बताएगी? दुखी दुखी विदा होकर जाएगी यहाँ से। किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, बता तो। कोई बात नहीं है भैया, और मैं अपने बॉस से मिलवाता हूँ। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, दहेज के लिए ही टॉर्चर किया उन लोगों ने गीता को। शादी के 24 घंटे के अंदर? क्यों सर, कहीं पर लिखा हुआ रूल है क्या कि शादी के इतने इतने घंटे बाद ही आप दुल्हन को टॉर्चर कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते? दहेज, कैश? ये क्या बात कर रहे हैं आप? 5 लाख रुपए कैश जो विद्या जी ने मांगे थे। गिरीश, दिस इज रिडिकुलस सर। मैं अच्छी खासी पोजीशन पर हूँ, अच्छी खासी सैलरी है मेरी, मुझे किसी का एक पैसा भी नहीं चाहिए। अगर हमने दहेज मांगा होता तो दहेज मिले बगैर हम शादी करवाते, और समझो करवा भी ली तो एक दिन में हम इतना टॉर्चर करते उस लड़की को कि वो ऐसा कदम उठाते। टॉर्चर करने के लिए भी तो समय चाहिए। मेरी गीता से सिर्फ 6 बार बात हुई थी, 4 बार शादी से पहले और फिर शादी के दौरान, और फिर उसके अगले दिन यानी कल। और कल सुबह से दोपहर तक उमा जी और विशाल हमारे घर पर थे, नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, उसके बाद वो लोग वडोदरा के लिए निकल गए। गीता ने तब तक एक शब्द नहीं कहा अपने अबू से, और फिर वो अपनी अनपैकिंग में लग गई सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विशाल और उमा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, विशाल और उसकी माँ ने आप दोनों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, सेक्शन 498A डोमेस्टिक वायलेंस के लिए,
और आईपीसी धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करने के चार्जेस आप पर लगे हैं। माँ को दो दिन बाद बेल मिली और मैंने 3 हफ्ते जेल में काटे। ओह माय गॉड, सीरियसली? केस पूरे 2 साल चला कोर्ट में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई सबूत ही नहीं मिला। एक्चुअली वो खुद ही कन्विंस नहीं था कि हमने कोई डाउरी की डिमांड की या फिर गीता को मजबूर किया सुसाइड के लिए। पूरे 2 साल लगे केस क्लोज होने में और हम पे लगे सारे चार्जेस खारिज हुए। राजेंद्र भाई, आपने बहुत जोर दिया इसलिए मैंने ये पेपर्स वडोदरा वालों से मंगवाए हैं। ये है गिरीश का केस से बरी होने का कोर्ट ऑर्डर। राजेंद्र भाई, तुषार, ये फैमिली का जो अंदरूनी मामला होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है जानना। आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी पूछ परछ करो, लेकिन सच नहीं जान सकते। गीता के मन में क्या चल रहा था वो कोर्ट के लिए तो क्या, किसी के भी लिए जानना मुश्किल था। क्योंकि मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। रेखा, मैं कभी नहीं जान पाया कि गीता के दिमाग में चल क्या रहा था। काश मैं जान पाता कि अनजाने में कहीं मैं तो जिम्मेदार नहीं था उसकी सुसाइड का। कम से कम प्रायश्चित तो कर लेता, पर नहीं। मुस्कुराते हुए 5 मिनट में सामान अनपैक करके आती हूँ कहके गई थी। गिल्ट के साथ जीना आसान नहीं, लेकिन बिना कुछ किए जो गिल्ट होता है, समझो टॉर्चर है। फिर से जीना चाहता हूँ रेखा। तुम्हारी जिंदगी के ये 3 साल भुला पाओगे ने? एक नए सिरे से शुरू करें? सच? तुम? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ गिरीश, एंड आई एम रियली सॉरी कि ऐसे सवाल मुझे तुमसे पूछने पड़े डायरेक्टली, बट ये जरूरी था डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड डाउट्स क्लियर हुए? पूरी तरह से। आई प्रॉमिस यू वन थिंग गिरीश, तुम्हारी पहली शादी हमारी नई जिंदगी में कोई दखल नहीं देगी। दहेज का तो आप नाम भी मत लो। धन्यवाद विद्या जी, वैसे भी हमारी इतनी ताकत है नहीं। मैं रिटायर हो चुका हूं और मेरा बेटा तुषार, उसका अपना परिवार है। और सबसे बड़ी बात, मैं दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं रखता। ये सब कहने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो बस दोनों बच्चों की शादी करवानी है और उन्हें खुश देखना है। बस अप्रैल में फाइनल्स हैं, उसके बाद 3 महीने की इंटर्नशिप और उसके बाद जॉब सर्च। ओके, तो तब तक वेट करना होगा। सिर्फ 6 महीने की तो बात है। 180 दिन? हाँ, तो मैं कहाँ भागे जा रही हूँ, यही हूँ अहमदाबाद में। और हेलो मिस्टर, शादी से पहले का ये रोमांस ना एंजॉय कर लो, इससे पहले कि शादी इसका कत्ल कर दे। प्लीज ये कत्ल वर्ड यूज मत करो, अजीब सा लगता है। मैंने गिरीश से कहा तो था कि उसकी पहली शादी हमारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देगी, लेकिन एक बार मुझे गीता की शक्ल देखनी थी। गिरीश ने मुझे उसकी और गीता की शादी की तस्वीरें फॉरवर्ड की थी, पर मुझे अब उन्हें और नहीं देखना था। मेरे लिए वो मायने नहीं रखती थी, उसका मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं था। पर मुझे मालूम है एक साय की तरह गीता मेरे सर पे मंडराएगी जिंदगी भर के लिए।
आने वाले दिनों में और कई मसले साय की तरह मेरा पीछा करने वाले थे। तो मम्मी पापा नवंबर या दिसंबर की डेट्स के लिए पूछ रहे हैं शादी के लिए। हाँ तो ठीक है ना गिरीश, कुछ तो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, सब कुछ तो ठीक है। थोड़ा अर्जेंट है, मैं आता हूँ। पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा था कि गिरीश के बिहेवियर में कुछ अजीब सा बदलाव आया था। ये सातवीं या आठवीं बार मैं देख रही थी कि गिरीश किसी को कुछ समझा रहा था और नहीं चाह रहा था कि मुझे कुछ पता चले। किसका फोन था गिरीश? ऑफिस का फोन था, तुम परेशान मत। उस दिन मुझे आभास हुआ अचानक से कि गिरीश हर दूसरी बात पर तुम परेशान मत हो कहता रहता। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आने वाली परेशानी के बारे में पहले से कोई क्या कह सकता है। दरअसल परेशानी नहीं बल्कि एक भूचाल मेरे रास्ते तेजी से आ रहा था। भूचाल अनपेक्षित था, मानो अचानक से कोई कहर टूट पड़ा हो। एक ऐसा शौक जो रेखा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, और ये शौक इस रिश्ते का पहला और आखिरी झटका नहीं होने वाला था। कहाँ हो गिरीश? 3 दिन से तुमने एक कॉल नहीं लिया मेरा। तुरंत कॉल बैक करो, अभी के अभी। गिरीश फोन क्यों नहीं उठा रहा? फियोंसे हूं मैं, पिछले 3 दिनों से पागलों की तरह फोन कर रही हूँ। आई एम सॉरी रेखा। सॉरी नहीं, मुझे सच चाहिए। तुम कहाँ थे? फोन क्यों नहीं किया मुझे 3 दिनों से? मुझे बस इतना सच बता दो, दैट्स ऑल। सॉरी रेखा, और मैं तुमसे सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ 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 गिरीश, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, तुमने कितना अच्छा मजाक किया मेरे साथ। बस हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रेखा। खैर जो हो गया सो हो गया, जाने दो। अब डिनर पे कब मिल रहे हैं? आ रहे हो मेरे घर आज रात? मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ रेखा। कल सुबह मेरी माँ तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेंगी शादी तोड़ने के लिए। रेखा, रेखा तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ क्या है ये सब गिरीश। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता रेखा। क्यों? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं बताना ही नहीं चाहता। What do you mean, मैं बताना नहीं चाहता? तुमसे तुम्हारी ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मांग रही हूँ, हमारी एंगेजमेंट तोड़ने की वजह मांग रही हूँ। For God's sake, I'm your fiancé, हक बनता है मेरा। सॉरी, मैं तुम्हारा ये हक पूरा नहीं कर सकता। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तोड़ा हूँ सारे रिलेशन, तुम्हारी और मेरी कभी शादी नहीं हो सकती। नहीं बता सकती, लेकिन क्यों? क्यों विद्या जी? राजेंद्र जी, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती तो फिर नहीं हो सकती। सब तैयारियां हो चुकी हैं, सगाई हो गई है, पर शादी तो नहीं हुई है ना। हम सही समय पर ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब गिरीश रेखा से शादी नहीं करना चाहता। सगाई की अंगूठी हम कुरियर कर देंगे।
रेखा बेटा, तेरे और गिरीश के बीच में कुछ हुआ था? बिल्कुल नहीं पापा, कई दिनों से फोन नहीं कर रहा था तो मैंने मैसेज किया था कि माजरा क्या है। जब आपने कॉल करके सिर्फ इतना बोला कि एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ, कारण नहीं बताया। लेकिन ऐसा कैसे रेखा, एंगेजमेंट तोड़ने का कोई कारण तो होगा ना? वही तो मैं कह रही हूँ तुषार, उसने कोई कारण नहीं बताया। कोई कारण नहीं है ये तो नहीं कहा ना मैंने। तो वो ये कारण तुम्हें बता क्यों नहीं रहा है? उसने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? तो खुद ये सोचकर परेशान हूँ कि उसे हो क्या गया है। सारी दुनिया में अनाउंस कर चुका हूँ कि नवंबर दिसंबर में शादी होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। बस तू एक भी आंसू मत बहाना उस नालायक के लिए, तुझे दुखी नहीं देख सकता कभी नहीं। दुख तो होना ही था, ज्यादा इसलिए हुआ कि गिरीश ने सगाई तोड़ने की वजह तक नहीं बताई। इस सारे किस्से ने मेरे अंदर एक गहरा घाव सा कर दिया जिसे मैं अपने काम से भरने लगी। काम में इतना बिजी हो गई कि मैं धीरे धीरे गिरीश को अपने दिमाग से हटा पाई और गीता को भी। अनजाने में गलती हो सकती है पर जानबूझकर गलती की जाए तो उसे क्या कहेंगे? रेखा के जीवन में भूचाल से हुए घाव समय ने भर तो दिए थे पर ये घाव फिर ताजा हुए जब भूचाल दोबारा लौटा। ये कहानी थी तो मेरी पर इस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये किस दिशा में जाने वाली थी, किससे टकराने वाली थी। मैंने उसका नंबर डिलीट क्यों नहीं किया था मुझे नहीं पता। मैंने उस दिन उसका फोन क्यों उठाया मुझे नहीं पता। हेलो रेखा, क्यों किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे इस नंबर पर? रेखा आई एम सॉरी। ओके सॉरी एक्सेप्टेड, पर वजह नहीं पूछूंगी कि सॉरी क्यों बोला, हमें तो ये सब पूछना अलाउड नहीं है राइट? रेखा मैंने एक्चुअली फोन उसी के लिए किया है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जो कहना प्लीज जल्दी कहो गिरीश। जल्दी तो नहीं हो पाएगा रेखा, मिलकर आराम से बताना चाहता हूँ। मिलोगी प्लीज? रेखा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने शादी से इनकार क्यों कर दिया था, एक बार मुझे सुन लो। रेखा मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था लेकिन उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि तुम एक अधूरे आदमी के साथ शादी करो। रेखा सच कहूँ तो गीता को मैं कभी भुला ही नहीं पाया, कोर्ट में मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लगा था लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद को गीता का मुजरिम मान रहा था, उस जुर्म का जिसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। रेखा अपना गुनाह बिना जाने सजा भुगतना बहुत टॉर्चर होता है। एक साल पहले बिना बताए सगाई तोड़कर तुम गए थे और आज तुम मुझे ये कह रहे हो कि अपना गुनाह ना जाने सजा भुगतना टॉर्चर होता है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ रेखा, इसलिए वापस आया हूँ। अच्छा क्यों गए थे? मुझे अपने अंदर का मैल साफ करना था। और वो कैसे किया जाता है? अकेले रहके, सारी दुनिया से दूर। कहाँ गए थे? हिमालय? दुबई, जॉब ऑफर आया था, अकेले रहके सबसे दूर, वहां मुझे खुद को माफ करने का मौका मिला। और जब मैं अपने आप को माफ कर सका तो मुझे मेरे गिल से भी छुटकारा मिला। रेखा मैं तब तक किसी रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहता था जब तक मेरे पिछले रिश्ते की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ देती। मैं अधूरा तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना चाहता था, मैं पूरा तुम्हारा होना चाहता ताकि सिर्फ मैं आज में जीऊं तुम्हारे साथ और आने वाले कल की सोचूं तुम्हारे साथ। रेखा मैं तुम्हें नहीं इन यादों को छोड़कर दुबई चला गया था इस उम्मीद से कि एक दिन जब मैं लौटूंगा तो तुम मुझे मिलोगी और मैं तुमसे कह पाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तू पागल हो गया क्या?
ये अचानक से कहां से आ गए गिरीश? ये मंगल से के चांद से? दुबई से। 6 महीने के लिए वहां पे जॉब करने गया था, अब वापस आ गया। हम मिले, बात हुई और अब मैं जान गई हूं कि वो तब शादी क्यों नहीं करना चाह रहा था। और अब हम और अब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ। तुझे क्या लगता है माँ पापा इतनी जिल्लत सहने के बाद गिरीश को गले से लगाएंगे? प्लीज मेरी मदद कर भाई। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है उससे, वो बता के नहीं गया, बट अब जो हो गया सो हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सीरियस है। रेखा, मैं माँ पापा को अकेले कैसे बनाऊंगा सबके लिए? तो भाभी को ले ले। माथा घूम गया इस लड़की का, बावली हो गया पूरे तरीके से। वो लड़का एक नंबर का घटिया लड़का है वो, और उसकी माँ भी। और तुम दोनों बेवकूफों की तरह मुझसे ये कह रहे हो कि इसकी बेवकूफी में इसका साथ दूं मैं? अचानक एक दिन वो लड़का कहीं से वापस टपक जाता है, इन दोनों का प्यार फिर से शुरू हो जाता है। भूल जाती है बेवकूफ लड़की कैसे सगाई तोड़ के छोड़ के चला गया था इसे, और ऐसे एक बार फिर से छोड़ के चला जाएगा और तू देखती रह जाएगी बेवकूफों की तरह। सच बोलूं तो जब उसने सगाई तोड़ी थी ना, तो मुझे लगा था कि गीता के साथ जरूर कुछ उल्टा सीधा हुआ होगा जो हमें नहीं मालूम। अरे मैं तो खुश हुआ था जब ये रिश्ता टूटा था। पापा प्लीज, मैं मानती हूँ गिरीश जब गया था वो मुझे बता के जा सकता था, पर वो भी क्या करता? वो गीता को भुलाने ही तो गया था। वो दुबई से लौटा, मुझसे मिला, माफी मांगी, सफाई दी, सच बताया। पापा पापा, हर इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मिला था ना उसको मौका, मर गए गीता या मार दिया गया, किसी को क्या पता। अब हमारी बेटी की बारी है क्या? पापा प्लीज, कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। पापा बस, अब तू उससे कभी नहीं मिलेगी, बात खत्म। पापा मैं प्रेग्नेंट हूं। देखो अब तो तुम्हारे माँ बाप भी मान गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया है, तो क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारा ये बच्चा चाहिए? What do you mean by that, गिरीश? ये हमारा बच्चा है, of course मुझे चाहिए। क्या तुमको नहीं चाहिए क्या? मुझे भी ये बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें नहीं चाहिए। शायद लगा शादी के बाद थोड़ी फ्रीडम चाहिए, यू नो, रोमांस करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। हाँ मुझे वो सब भी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ भी तो हो सकती है ना। बस हम दोनों को सही तरीके से टाइम मैनेज करना होगा। प्लीज गिरीश, आहिंदा मुझसे कभी मत पूछना कि ये बच्चा मुझे चाहिए या नहीं। देखो तुम बैठो, मैं देखता हूँ। गिरीश का एक बहुत ही केयरिंग पहलू भी था, सेंसिटिव था, प्यार करता था मुझसे, ऐसा मुझे लगा था। गिरीश भाई, कोर्ट नोटिस का ड्राफ्ट पढ़ा कि नहीं? जल्दी से पढ़कर बता दो, रिटर्न नोटिस भेजना है कि नहीं? मैं कहता हूं जल्दी भेजो, लेट कर दिया तो शादी में प्रॉब्लम होगी। तुमने मेरा मैसेज पढ़ा? हाँ, वो अपने आप ही खुल गया था। ये क्या नोटिस है गिरीश? रेखा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरा फोन देखे या मेरा मैसेज पढ़े। ये आने वाले भूचाल की चेतावनी थी। ये भूचाल शादी होने तक मुझसे दूर रहने वाला था, सिर्फ शादी होने तक। लेकिन थोड़े ही दिनों में एक और ट्रेजेडी मुझ पर कहर बन के टूटने वाली थी। रेखा, गिरीश, आई एम सॉरी, लेकिन कोई चॉइस ही नहीं है, अबॉर्शन करना पड़ेगा। देखो, पिछले कुछ दिनों से शायद तुम काफ़ी स्ट्रेस ले रही हो, जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़ा है। बच्चे की ग्रोथ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई चारा नहीं है रेखा। पर गिरीश ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया और हमने फिर से ट्राई किया और मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। 5वां महीना लगा। मैं उम्मीद कर रही थी कि अब जिंदगी सेटल हो गई है, अब कोई भूचाल नहीं आएगा,
गिरीश बिरसना, आपको सूचित किया जाता है कि सुप्रिया निलोरिया सुसाइड केस में आप अहमदाबाद हाई कोर्ट में 17 अक्टूबर 2014 को 11 बजे रूम नंबर 2 में हाजिर हो जाएं। गिरीश भाई, कोर्ट नोटिस का ड्राफ्ट पढ़ा कि नहीं? जल्दी से पढ़कर बता दो। रिटर्न नोटिस भेजना है कि नहीं? मैं कहता हूँ जल्दी भेजो, लेट कर दिया तो शादी में प्रॉब्लम होगी। सुप्रिया निलोरिया, गलती अनजाने में तो हो सकती है, पर गलती अगर जानबूझकर की जाए तो उसे क्या कहेंगे? सच अक्सर वो नहीं होता है जितना हम जानते हैं, पर वो भी हो सकता है जो हमारी जानकारी के परे होता है। रेखा को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी। एक भयंकर सच उससे छुपाया गया था जो उस वक्त हुआ था जब रेखा की सगाई टूटी थी, और फिर एक साल बाद गिरीश दोबारा उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। लेकिन इस सच से भयंकर भी एक और सच था जिसका सामना रेखा बहुत जल्द करने वाली थी। रेखा की कहानी हम कल पूरी करेंगे और साथ ही आपको सुनाएंगे सुप्रिया निलोरिया की कहानी भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में CID के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।